हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मिष्टी दही। मिष्टी दही बनाने के लिए पहले हम आधा कप चीनी को लेके कैरामलाइज करेंगे। हमारा चीनी मेल्ट हो रहा है, चीनी कैरामलाइज हो गया है। अभी हम इसमें दूध डाल देंगे। इस कप से मैंने दो कप दूध इसमें डाली हूँ और ये दो कप दूध आधा लीटर से भी ज़्यादा है, 750 ml का है। इसको हम चलाते जाएंगे, देखिए कैसे दूध का कलर चेंज हो गया है। इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि नीचे से दूध अगर लग जाएगा नीचे से तो जलने का स्मेल आएगा, इसलिए हम लोग लगातार इसको चलाते जाएंगे। मैं थोड़ा हाई फ्लेम कर ली हूँ। अभी मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर पानी में घोलकर दूध में डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से दही का टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है, क्रीमी क्रीमी रहता है। चलिए अभी इसमें इलायची कूटकर, 4 इलायची मैंने कूटकर डाल दी हूँ। इलायची से फ्लेवर अच्छा आता है और जैसे ही इलायची दूध के साथ कुछ देर उबल जाएगा तो हम इसको दूध से निकाल लेंगे। 750 ml का ये दूध जब कम होके करीब करीब 650 ml का हो जाएगा तब हम लोग गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे और दही जमाएंगे। दूध अभी गाढ़ा हो गया है, किनारे जो लगा है उसको हम निकाल लेंगे। मैं जो इलायची मैंने डाला था इसको मैं अभी निकाल लूंगी। दूध का वॉल्यूम कम हो गया है, गैस को अभी हम बंद कर देते। अभी इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने दही को छन्नी में डालकर जितना इसमें पानी था उसको निकालने के लिए पहले से ही रख दिया था और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखते हैं दूध ठंडा हुआ है कि नहीं। दूध ठंडा हो चुका है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दूध को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, दूध लुकवर्म रखना है। अभी सारे दूध को हम दही में डाल देंगे। दही के साथ दूध को अच्छी तरह से मिला देंगे। दूध और दही का मिक्सचर ऐसे बना है। अभी इसको हम कुल्हड़ में भर देंगे। फ्रेंड्स, अभी इसको हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और उसके चारों तरफ रबर बैंड लगा देंगे। अभी हम दही जमाने के लिए कुल्हड़ को 8-9 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे, जैसे कि ओटीजी के अंदर हम रख सकते हैं और कैसरोल के अंदर में रख सकते हैं, राइस कुकर के अंदर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा मिष्टी दही कैसे बना है। वाओ, कितना सुंदर बना है फ्रेंड्स। इस प्रोसेस से आप मिष्टी दही बनाइए
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए और मीठे मीठे कमेंट्स मुझे लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।